नमस्कार दोस्तों, सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स से मैं सरवण सिंह राठौड़ और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमपी पटवारी के एग्जाम में आज ये क्वेश्चन आए थे, मुझे विद्यार्थियों ने बताए थे। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के आए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 1% का आधा क्या होगा? ठीक है, अब देखिए एक और प्रतिशत के चिन्ह को किस में बदल देंगे? बट्टे 100 में, बट्टे में क्या लगा देंगे? 100। अब इसका क्या करना है, हमें आधा करना है। तो आधा क्या होता है दोस्तों? गुणा में 1/2 कर दे। ठीक है, तो यह एक को एक से गुणा, एक और बट्टे में कितने हो गए? 200। यानी कि एक में कितने का भाग देना हमें? 200 का। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए किस प्रकार देंगे यह भाग। एक में नहीं जाता, हम यहाँ पर एक जीरो उतारेंगे, बाहर से जीरो लाए इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? एक पॉइंट। एक जीरो और लाए तो टूटे भाग का क्या आ गया? 0। अब यहाँ पर 100 है, यहाँ 200, अभी भी कम है। एक जीरो और लाए तो एक बार और भाग टूट गया। अब देखिए 1000 में 200 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये हमारे क्या हो गए? आंसर है। ठीक है ना, 0.005 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 1% का आधा कितना होगा? 0.005। ठीक है ना दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लय से व मय से क्रमशः 8 तथा 48 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो दोस्तों आपको एक सूत्र आता होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा मय से। तो पहली संख्या कितनी है? 24, और दूसरी संख्या को हमने क्या मान लिया? x बराबर लय से कितना है? 8, और गुणा मय से कितना है? 48। अब देखिए दोस्तों, हमें x निकालना यहाँ पर दूसरी संख्या का मान। तो 8 गुणा 48 और ये 24 है, इन्हें इस साइड भेजेंगे। ठीक है, तो ये किस से? बट्टे में आ जाएंगे। 24 से हम कैंसिल करें 48 को 2 टाइम्स। ठीक है, 8 का पारा 2 बार बोला तो 16 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो दूसरी संख्या दोस्तों कितनी हो गई? 16। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। 77:55 का सरलतम रूप क्या होगा? दोस्तों इसमें आपको करना क्या, 77/55 भी हम इसलिए लिख सकते हैं। अब हम इनका मैं से लेंगे। ठीक है, मैं से लेंगे तो कितना आएगा? 11। 77/55 का मैं से लिया, कितना आया? 11। अब 77/55 हमें 11 से भाग दे देंगे दोनों में, इसमें गया 7 बार और इसमें गया 5 बार। अब हम इसे अनुपात के रूप में लाएंगे तो 7:5, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। दोस्तों आप इसे सीधा भी कर सकते हैं लेकिन यह तो छोटी संख्या है इसलिए आपको पता चल गया कि 11 के पहाड़े से काट लेंगे, लेकिन यदि बड़ी संख्या हो तो आपको मैं से लेकर ही करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किमी चलता है तो उस पहिए का व्यास कितने सेमी होगा? ठीक है ना दोस्तों, तो 5000 चक्कर लगाता है वह और कितनी दूरी तय करता है? 11 किमी। तो इसे हम मीटर में बदल लेंगे, यानी कि 11,000 मीटर। 500 चक्कर कितने हैं? 5000 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? 11,000 मीटर। अब देखिए दोस्तों, एक चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, तो हम 11000 और बट्टे में क्या कर देंगे? 5000। ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, 11/5 बच रहा है। अब दोस्तों ये पूछ क्या रहा है, पहिए का व्यास क्या होगा? पहले हम पहिए की एक चक्कर यानी कि परिधि ज्ञात कर लें। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर क्या आ चुका हमारा? 11/5। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, 2r क्या होता है? व्यास, और गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7 बराबर में 11/5 का 5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 2r का 2r, 11/5 का 5, 7 को इधर भेजेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे और 22 को इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 7/5 में क्या आ जाएगा? 5 × 2 = 10। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने सेमी होगा, हमने यहाँ तक मीटर में निकाला है। अब हमें सेमी बदलना है तो 7 को हम 100 से गुणा करेंगे, कितने हो गए? 700/10, इसको इससे कैंसिल कर दिया तो 70 सेमी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब है अंतिम क्वेश्चन जिसकी मैं आपको बहुत इजी शॉर्ट सी ट्रिक बताऊंगा। यदि एक आयत की लंबाई को 50% घटाया जाता है और उसकी चौड़ाई को 80% बढ़ाया जाता है तो उस आयत के क्षेत्रफल में आया परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, लंबाई 100% है, 50% घटा दी तो कितने बच गई? 50। ठीक है, और गुणा चौड़ाई 100%, 80% और बढ़ा दी तो कितने हो गए? 180, और प्रतिशत हमें ज्ञात करना है तो बट्टे में क्या लगा दिया? सो इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब कितने हो गए? 18 × 5 = 90। 90 आया ना दोस्तों। दोस्तों ये देखिए 100 से कितने कम है, 100 − 90 कर दीजिए तो 10% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ चुका है? 10% का। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।